माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत मस्जिद बनाई गई है। बहुत खूबसूरती के साथ उन्होंने एक एक चीज़ को सवारा है, बनाया है। गुंबद, मीनार, हर चीज़ को भार कर बनाया गया, बहुत खूबसूरती के साथ सजाया गया है। लंगर का एहतमाम किया है और इतना डेकोरेट किया हुआ है। ये हमारे नबी, हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम की विलादत का दिन मनाया जा रहा है। खुशियों के साथ नए नए कपड़े और मेहंदी लगाकर बच्चियां खूब तैयारी के साथ ये देखने के लिए कि हमारे बड़ों ने, हमारे भाइयों ने क्या तैयारी की है और कैसे सजाया गया हमारे बाज़ारों को, हमारी गलियों को। छोटे बच्चों ने टॉयज लगाकर पहाड़ियां बनाई हैं और कोई ट्रेन है, कोई झूले हैं, गाड़ियां हैं, डॉल्स हैं। इनको बहुत प्यारा सा, खूबसूरत सा डेकोरेट किया हुआ है और बहुत प्यारा सजाया गया है। पानी की आबशार बनाई है, ये आबशार और पौधे वगैरह लगाकर बहुत खूबसूरती से बनाया हुआ है इन्होंने। और यही हमारी अकीदत और हमारा जज्बा है, हमारा के हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम के लिए हमारे जो जज्बे हैं, हमारी अकीदत है, वो सामने आ जाती है हर साल जैसे जोश व खरोश और मोहब्बत के साथ ये दिन मनाया जाता है। बहुत सारे लंगर का इत्तमाम किया गया हुआ है। जलेबी को कितनी खूबसूरती के साथ पकाने के बाद शीरे में ऐड कर रहे हैं और शीरे से निकालने के बाद अब ये हमारे मुंह में, कितना मुझे पानी आ रहा है मुंह में, जल्दी से मैं खा लूँ। मुझे बहुत पसंद है जलेबियाँ। ये आतिफ ने स्टॉल लगाया। आतिफ क्या हाल है, ठीक हो? यहाँ पे आतिफ का स्टॉल भी लगा हुआ है और यहाँ बहुत सारे लोग खाने के लिए खड़े हैं, लाइन में लगे हैं और बहुत तरीके से सबको दिया जा रहा है। आतिफ मेरी बारी कब आएगी? अच्छा। और मज़ेदार पीठियों वाले लड्डू दे रहे हैं, दाल को, खालिस दाल के लड्डू बनाए जा रहे हैं। और क्या दे रहे हैं कि गोल गप्पों का भी ठेला लगाया हुआ है, गोल गप्पों के लिए भी बहुत सारे लोग, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं या हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम के लिए जज्बा अकीदत तो मोहब्बत का क्या कहते हैं कि बताया जा रहा है कि हमारी अकीदत क्या है और सारी दुनिया खाने के लिए बेकरार है। और आप देख रहे हैं बारबी क्यों बन रहे हैं और ये देखिए जी, वाह क्या वाम माशाल्लाह से। यहाँ पे भी बहुत खूबसूरत तिक्के खुशबूदार दाल बिरयानी भी लंगर का एक हिस्सा है और यहाँ पर माशाल्लाह से लंगर की नज़र किया जा रहा है और साथ बिरयानी भी, भटूरे भी बनाए जा रहे हैं, ये भी एक लंगर का हिस्सा है। और यहाँ भी हमेशा की तरह रश लगा हुआ है और माशाल्लाह बहुत आवाम इकट्ठा है। खूबसूरती के साथ ये गलियाँ, बाजार, यहाँ हर गली को सजाया गया हुआ है। आप देख रहे हैं कि कितनी प्यारी डेकोरेट किया हुआ है। अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहमान हॉर्स राइडिंग करते हुए, अब्दुर्रहमान कैमल की सवारी करके बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं।
मेहमान हमारा कनोब आए कैमल की सवारी करते हुए। चलो आप बैठ जाओ, आप भी के साथ बैठने खा रहे, इसको हम भी खाना बैठाओ। अंकल नहीं, ये छोटी है ना। अलिशबा ने कैमल की सवारी कर ली है, रानिश ने भी और हमारी छोटी मुन्नी ने भी। अब और बच्चियाँ कैमल की सवारी में बैठने लगी हैं। पकड़ के रखना। और अमला जो है क्या हाल है? ठीक है, हाजिर है। क्या हाल है? हाँ, सोफिया जावर जी के साथ हम यहाँ पर ऑलरेडी आए हुए हैं और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर, बहुत इंजॉय हो रहा है। और कैसा आप इंजॉय करें यहाँ पे? मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ, बेहतरीन हो रहा है। बाकी क्या बात है, हमने लंगर भी खाया है माशाल्लाह, और डेकोरेट भी देखी है, आवाम भी देखी है, बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी लंगर है यहाँ पे पूरे लाहौर में ही, बहुत माशाल्लाह बहुत लोगों ने लंगर किया और बहुत ही बेहतरीन काम है, बहुत अच्छी लाइटिंग है, बहुत ही बेहतरीन काम है। आपकी सोफिया जावर जी अपनी जबानी में आपको ये कहानी सुनाएंगी। हाँ जी, और अपना चैनल का नाम बताएं। शुमैंगो। मेरे चैनल का नाम शुमैंगोज है, ये मेरे चैनल का नाम है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए सभी लोग इंशाल्लाह। चले चलते हैं, अल्लाह हाफिज़। आलू वाले पराठे पकाए जा रहे हैं। ये भी लंगर का एक हिस्सा है, आलू वाले पराठों का। हर जगह सजावट और डेकोरेट किया है, बड़ा शानदार खूबसूरती के साथ सारी गलियों को सजाया गया है पहाड़ों के साथ। चलते रहे, देखते रहे मेरे साथ। माशाल्लाह से खाना काबा की तैयारी हो चुकी है। रात को मैं आपको दिखा रही थी कि यहाँ पे तैयारी हो रही थी और आज माशाल्लाह से गुनबद खजरा को कितनी खूबसूरती के साथ बनाया गया, इतना खूबसूरत माशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको खाना काबा और गुनबद खजरा के ज़्यारत के लिए नसीब करे। और जो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेगा और वो ज़रूर हज पे जाएगा इंशाअल्लाह। और आप मेरे कमेंट्स भी करिएगा कि मेरा आज का आपको कैसा लगा, ज़्यारत भी करवा दी और आपको मैंने सारी गलियां बाज़ार भी और लंगर सब कुछ खिलाया पिलाया, और आज आपने मुझे कमेंट्स करना है। और ये गुनबद खजरा को भी मांगें दुआ आप, अल्लाह ताला हमें सबको गुनबद खजरा की साए में बैठकर नमाज़ पढ़ने की और दुआ मांगने की तौफीक अता करे और हज की सादत नसीब करे। ओके, अल्लाह हाफिज़।